हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईपैड मिनी 6 के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट मुझे हो गए हैं 14 टू 15 मंथ्स। ये 14 टू 15 मंथ्स के बाद वाला ये रिव्यू है। तो आइए सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल टेक से विकास। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, और जो आज तक जो वर्क कर रहा है क्या क्या कर रहा है, इसकी अपडेट सार टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक चीज़ में आप इसमें कवर करने वाला। और फटाफट से इसका हम रिव्यू कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं इसकी पुरानी वीडियोज़ भी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये है आईपैड मिनी 6 जो है कि मेरे हाथ, ये देखिए ये इतना आता है। ये कवर है, मैंने कवर लगा रहा था, ये वेलबैगम का, ये द बोर्ड अटैम इस कुछ भी कह लो वेलबैगम का, ये मुझे कवर अच्छा लगता है काफ़ी। देखिए ये खोलते ही ये हो जाता है और ये स्लीप हो जाता है बंद करते ही। ये कवर मुझे काफ़ी पसंद आया था। ये कवर भी अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैंने ये ऑनलाइन ही मंगाया था। और देखिए यहाँ इसका ये कटआउट है, ये बिल्कुल भी आपके कैमरे को ख़राब नहीं होने देता बिल्कुल भी। ये काफ़ी उठा हुआ है यहाँ से और कैमरे को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखता है यहाँ से। यहाँ पे ये कैमरा आ जाता है हमारा, ये सेंसर, ये फ्लैश आ जाती है हमारी यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ तो इसको काफ़ी प्रोटेक्टेड रखती है। यहाँ की बात करें तो ये वॉल्यूम अप एंड डाउन वाला बटन आपको यहाँ मिल जाता है, और दूसरा फिर आपको ये स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे हमारी टच आईडी मिल जाती है जिससे हम इसको खोलते हैं। नीचे की फिर बात करें, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट जो है वो मिल जाता है, और यहाँ स्पीकर की बात है, वैसे तो ये शोशेबाजी है, स्पीकर सिर्फ काम दो ही करते हैं, बाकी चार तो ये दिखाने वाली बात होती है बाकी। और बाकी यहाँ एक ये स्पेस छोड़ रखा होता है इन्होंने, ये चीज़ है पेंसिल के लिए, एप्पल पेंसिल 2 के लिए, ये कि ये यहाँ अटैच हो जाए। ये देखिए अब मैं इसको खोलता हूँ, ये देखिए मैंने इसको टच किया, अब ये खुल गया। ये देखिए ये कितना आसान है, ये अभी ये क्लोज़ हो गया, इसको मैंने किया, मैं इसको कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना। अगर मैं इसको बंद करता हूँ, अब मैं इसको दूसरी फिंगर से खोलूँगा तो ये टच आईडी मांगेगा। ये ओपन करने के बाद ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बंद ही होता है, उसके बाद ही अपने आप ऑन हो जाता है। ये देखिए ऐसे, ये स्लीप एंड वेकअप वाले कवर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपने मैकबुक के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए आप लेते हैं, अपने अपने आईफोन के लिए या फिर अपने आईपैड के लिए, तो एक ऐसा कवर ज़रूर लीजिए जो स्लीप एंड वेकअप वाला हो। तो देखिए ये हम, मैं इसको यहाँ ऐसे स्टैंड भी कर सकता हूँ, किसी भी फॉर्मेट में मैं इसको रख सकता हूँ, ऐसे खड़ा भी रखता हूँ, या अपना मैं कीपैड भी रख सकता हूँ यहाँ पे, और ये ऐसे हो जाती हैं चीज़ें, और ये पूरा घूम भी जाता है जब भी मुझे कुछ करना होता है। ये देखिए गाइस, तो ये रहा मेरा आईपैड मिनी 6। ये चीज़ें मैंने कुछ इसको मैंने अपडेट भी किया था, और मैंने इसको फ्री में एक्सचेंज भी कराया था। मैं आपको वीडियो डाल दूँगा, वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे ये एक्सचेंज कराया था, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ख़राब टच आईडी में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने इसको ये चीज़ करवाई थी। आइए अब बात करते हैं कि अभी टच देखिए, इसके ऊपर देखिए अभी कोई भी वो नहीं जड़ा लगा हुआ है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये जैसा आया था अभी तक वैसा ही है। एक्चुअली मेरा जो दूसरा काम है मेरे अपने और मैकबुक पे और जो लैपटॉप है मेरे, उसमें सारा काम हो जाता है, तो इसका मुझे थोड़ा कम यूज़ होता है। बेसिकली मैं इसको हैंग्री वर्ड खेलने के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी गेम पसंद है, और बस इसमें और कोई गेम नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए बस आपको एंग्री बर्ड ही मिलेगी, इसे मैंने यही एक डाउनलोड कर रखी है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और बाकी इसकी परफॉर्मेंस का कहो तो इसकी टच अब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, अभी भी बहुत अच्छी है। ये देखिए ये आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाता है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, इसकी टच वगैरह भी बहुत अच्छी है। बेजल्स तो इसके मोटे हैं ही, देखिए अब जो WWDC जो आ रही है, अब हमारी एप्पल इवेंट, उसमें क्या चीज़ नया आता है उसमें हमें पता लगेगा कि उसके कि आईपैड में बेजल कम होंगे नहीं होंगे आने वाली सीरीज़ में, ये तो पता ही चल जाएगा। आप तो खैर सेंटर में कैमरे वाला भी, ये सेंटर कंजेस्टेड वाला लेके आ रहे हैं, ये एक नई स्टार्ट की है, तो अब एक आईपैड्स की सीरीज़ में भी ये कुछ नया लेके आ रहे हैं, खैर वो तो हमें पता चली जाएगा। बाकी इसका कैमरे की बात करते हैं, कैमरा इसका बहुत ही गजब है, मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है, दिखा रखा है ये सारी चीज़ें। कैमरा ये इस तरीके से वर्क करता है, ये इस तरीके से जूम आउट जूम इन करता है, ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी इसमें गेम, अगर मैं गेम की बात करूं तो गेम भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। आइए मैं आपको इसमें ये गेम चला के दिखाता हूं, जैसे मैंने ये टच किया, अब आप देखिए ये कितनी, देखिए ये फटाफट से ऑन हो जाती है।
अब ये लॉगिन हो रहा है इसमें, जब तक ये लॉगिन होता तब तक हम दूसरी बातें कर लेते हैं। इसमें कोई भी आप गेम खेल सकते हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी कैसी हो। ये देखिए हमारा गेम ऑन हो चुका है, ये हमारी आ गई है, ये फीड कराना है ये लोग को, हम इसको फीड भी करा देते हैं। एक देखिए ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं, ये तो रही गेम की बात, गेम तो इसमें बहुत अच्छे से चल जाती है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो गेम खेलने मुझे इसमें कोई भी दिक्कत कभी नहीं आती है, आप कभी इसमें कोई भी गेम खेल सकते हो, रेसिंग वाली कोई और भी कोई भी आप इसमें वो चीज़ खेल सकते हो। तो देखिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये देखिए ये हट गई। अब इसका कैमरे की बात कर ली, परफॉर्मेंस की बात कर ली, और इसकी टच आईडी है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और इसमें ज़्यादा इसमें जो कैमरा जो सेंटर से वो पोजीशन थी कि आप बीच में खड़े हो, साइड में जा रहे हो या लेफ़्ट में या राइट में जा रहे हो, ये कैमरा जो है आपके हिसाब से चलेगा। आप अगर इधर जा रहे हो तो कैमरा यहाँ की तरफ आ जाएगा, आप अगर यहाँ जा रहे हो तो कैमरा यहाँ की तरफ आ जाएगा। ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा कमाल की है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी इसमें। जैसे कि इसमें देखिए मैं ऐसे करता हूँ तो ये इसमें ये मेरे आईफोन में होता है और ये ठीक ही आईपैड में भी होता है। तो ये सारी परफॉर्मेंस की बातें हैं कि बहुत अच्छा चलता है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं या पहले ले चुके हैं तो इससे शानदार कोई भी आईपैड मेरे हिसाब से नहीं बना है, क्योंकि बाकी जो आईपैड वगैरह हैं वो खामखाई इतने बड़े बड़े 12 इंचज़ के 10 इंचज़ के, यार 12 इंच 13 इंच का तो मैकबुक ही आ जाता है, उसके साथ तुम कीबोर्ड भी लेते हो, मैजिक कीबोर्ड लेते हो, क्या वो ले लो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरा काम है क्योंकि बहुत बड़े आईपैड मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है, तो मुझे ये मेरा एक कॉम्पैक्ट सा मुझे ये ज़्यादा एक अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये लिया है। और इसकी अब बैटरी की बात करते हैं, अगर आप देखिए ये गर्मी चल रही है, गर्मी इसमें ये 80% तक ऑप्टिमम चार्जिंग के लिए होता है इसमें। अगर आपका आईपैड जो है वो 80% से या 70% से, जैसे मेरे यहाँ बैटरी ये देखिए ये दिखा रहा है अभी 39 दिखा रहा है, ये भी बैटरी इतनी है, इतनी बैटरी अगर मैं चार्ज करूँ 74, 62, 69, 84, 82, 72 इन पे अगर रुक जाता है तो आपको घरवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही दिखाने की ज़रूरत है सर्विस सेंटर में, आप आराम से इसको एक कूल प्लेस पे जाके रखिए। मैंने ये टिप्स एंड बैटरी सेविंग टिप्स भी मैंने बता रखी है वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो, आप इसको अपनी बैटरी को बचा सकते हो किस तरीके से, कि एक कूल प्लेस पे आप उसको रखो, बैटरी को अपने कूल प्लेस पे रखो कि जो पीछे का हमारा ये बैक साइड होती है वो ज़्यादा गर्म ना हो, और आप काफ़ी हैवी यूज़ कर चुके हो और फिर से आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो थोड़ी देर रुक दो, या यूज़ करने के बाद एकदम से चार्जिंग पे मत लगाओ, इससे बैटरी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं कि बैटरी सेविंग टिप्स के ऊपर। अब आए इसकी पैप्टिव प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसा एक हार्ड कवर होना चाहिए जो गिर जाए कुछ जो है तो शॉक एब्जॉर्ब उसको कर ले, आपके आईपैड को कुछ ना हो पाए। कई बार हम इसको लेके चलते हैं हमारे हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है वो चीज़। और दूसरा आप इस पे वो भी एक चढ़ा सकते हैं, टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा सकते हैं, मैंने तो खैर नहीं चढ़ाया क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल पाया था जाने का, वरना मैं ये चढ़वा देता। और बाकी इसमें और कोई चीज़ होती नहीं है, बाकी अगर आपने एप्पल केयर प्लान ले रखा है, जैसे मैंने कहा 8-10 हज़ार रुपये का आता है, वो आप ले सकते हैं, 2 साल के लिए एक्सटेंड कर देता है वो आपकी चीज़ को, जैसे मैंने कर रखा था तो मेरा जो था मेरा ये फ्री में एक्सचेंज हो गया था, मेरी एक यही वजह थी जो फ्री में एक्सचेंज हुआ था मेरा। इसमें आपको जब एक्सचेंज करते हैं तो कई लोगों के मेरे पास ये सवाल आया था कि जब एक्सचेंज करते हैं तो क्या पूरा बॉक्स हमें नया मिलता है, तो नहीं, उसका आंसर है नहीं, नहीं हमें पूरा बॉक्स नहीं मिलता जो आईपैड मिनी 6 का होता है, सिर्फ ये आता है एक पतले से, इतना सही बॉक्स था, इससे एक इंच और लगा लो, एक या आधा इंच और लगा लो, इतना सही बॉक्स था, इतना पतला सा, उसको जैसे ही मैंने ओपन किया उसमें एक आईपैड पड़ा हुआ था। जो भी चीज़ आपके एप्पल प्रोडक्ट की ख़राब होती है सिर्फ वही चीज़ रिप्लेस होती है, पूरा का पूरा सेटअप नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी की और बातें क्या ही कहें, बाकी तो सारी चीज़ें हम कर ही चुके थे, बाकी अगर आपको कुछ और अगर पूछना हो, कुछ और अगर इससे कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई फटाफट कर दूँगा। कोई चीज़ ऐसी हो लगे जो मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू गाइज़।